हेलो दोस्तों, आज की अभी की बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है जो विभिन्न पेपरों में बहुत ही प्रमुखता से छपा गया है। देखिए दोस्तों, इसमें ईओयू को बड़ी कामयाबी मिली है। आर्थिक अपराध इकाई पटना, शिकंजा ईओयू ने दबोचा, ट्रांजिट ट्रिब्यून पर पटना लाया जा रहा है। प्रश्न पत्र लीक के 5 मुख्य आरोपी उज्जैन से गिरफ्तार। ठीक है दोस्तों, पहचान बदल कर वहीं रह रहे थे अभियुक्त। ईओयू की विशेष टीम ने इन्हें शनिवार की सुबह वहां के एक होटल से किया गिरफ्तार। घटना के बाद महाकाल का दर्शन करने भाग गए थे उज्जैन। एक लड़की और 4 लड़के हैं गिरफ्तार होने वाले 5 आरोपियों में। बीपीएससी तीसरे श्रेणी के शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी उज्जैन से कर ली गई है। इन्हें ट्रांजिट रिमांड पर बिहार लाया जा रहा है। इनसे पूछताछ में कई अहम बातों का खुलासा होने की संभावना है। मानवजीत सिंह ढिल्लो, DIG ईओयू। हजारीबाग में पकड़े गए थे 270 अभ्यर्थी। बीपीएससी की तरफ से तीसरे श्रेणी के लिखित परीक्षा का आयोजन 15 मार्च को किया गया था। इसका प्रश्न पत्र पहले ही लिख हो गया था। 15 मार्च की सुबह 5 बजे हजारीबाग के कुर्रा पद्मा और बरही स्थित कोहिनूर होटल एवं मैरिज होटल में झारखंड पुलिस की मदद से सघन छापेमारी की गई। इस दौरान पाया गया कि होटल में कई कमरों के अलावा मैरिज हॉल में 270 से अधिक अभ्यर्थियों को बैठाकर प्रश्न का उत्तर अटवाया जा रहा है। मामले की जाँच के लिए यूनियन एसपी के नेतृत्व में 8 सदस्यीय SIT का गठन किया था। इसके बाद से पूरे मामले की तफ्तीश जारी है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती तीसरे चरण की परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 मुख्य आरोपी को मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया है। इसमें एक लड़की और 4 लड़का है। इन्हें वहां के स्थानीय पुलिस की मदद से ईओयू की विशेष टीम ने गिरफ्तार किया है। शनिवार की सुबह इन सभी को उज्जैन स्थित एक होटल से गिरफ्तार किया गया, जहाँ से लोग फर्जी नाम पता पर रह रहे थे। इन 5 अभियुक्तों को गिरफ्तारी के बाद वहां के स्थानीय अदालत में पेश किया गया और इसके बाद ट्रांजिट रिमोट पर इन सभी को पटना लाया जा रहा है। इनके रविवार की दोपहर तक यहां पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। सोमवार 22 अप्रैल को इन सभी को पटना के कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये सभी बिहार के ही अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं। सुरक्षा कारणों से जाँच एजेंसी ने इनकी पहचान फिलहाल उजागर नहीं की है। यहाँ पहुँचने के बाद इनके बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। प्राप्त सूचना के अनुसार ये 5 अभियुक्त इस पेपर लीक कांड के मुख्य अभियुक्तों की फेहरिस्त में शामिल हैं। पेपर कैसे लीक हुआ, खुल सकता है राज। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में प्रश्न पत्र कहाँ से, कैसे और किसकी मदद से लीक हुआ, इसकी पूरी जानकारी सामने आ सकती है। पेपर लीक कांड के इन मुख्य अभियुक्तों से सघन पूछताछ में कई अनमनपूर्ण बातों की जानकारी भी मिलेगी। बताया जा रहा है कि पेपर लीक होने के बाद ये सभी 5 अभियुक्त महाकाल का दर्शन करने उज्जैन भाग गए थे और वहीं अपनी पहचान बदल कर वहाँ रहने लगे थे। लेकिन जाँच में सुराग मिलने पर ईओयू की टीम ने वहाँ पहुँचकर पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं बीपीएससी TRE 3 पेपर लीक में उज्जैन से 5 के किंगपिन अरेस्ट, यानी कि सारे पेपरों में बड़ी ही प्रमुखता से इस बात को छापा गया है। मास्टरमाइंड हो सकता है ग्रो, या 5 जो पकड़े गए हैं वो मास्टरमाइंड ग्रो है। पूछताछ में मिलेगा अहम सुराग, किससे कहां और कब हुआ था पेपर लीक। 15 मार्च को हुई परीक्षा, एक दिन पहले लीक हुआ था पेपर। ठीक है दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक पेपर लीक कांड में उज्जैन से महिला समेत 5 गिरफ्तार। ठीक है दोस्तों, अतुल वत्स के गिरोह से जुड़ा है आरोपी डॉक्टर शिव। यूपी सिपाही बहालीकरण परीक्षा पेपर लीक में डॉक्टर शिव शामिल था। सिपाही बहाली का प्रश्न स्नेह अहमदाबाद स्थित प्रिंटिंग प्रेस से उड़ाया था। तत्कालीन SSP मनु महाराज ने उसे सहयोगियों के साथ गिरफ्तार किया था। डॉक्टर शिव देश का बड़ा परीक्षा माफिया अतुल वत्स के गिरोह से जुड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो आज जो है जो आरोपी थे वह 5 जो मुख्य आरोपी है वो पकड़े गए हैं, जिन्हें कोर्ट से अनुमति के बाद पटना के कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद बहुत बड़ा राज खुल सकता है कि किसने कब और कैसे कहां से प्रश्न पत्र लीक होना शुरू हुआ था। यहां की कलकत्ता के प्रिंटिंग प्रेस से ही BPSC TRE 3.0 पेपर लीक हुआ था, लेकिन पेन ड्राइव का कोड किसने बताया था या अन्य सारी जानकारियाँ किसने दी थी, ये सारे राज आज खुल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के पेपर की प्रमुखता है BPSC TRE 3 पेपर लीक में जो आरोपी पकड़े गए हैं उनके मुख्य रूप से विस्तार से हिंदुस्तान पेपर ने और जागरण पेपर ने
और दैनिक भास्कर ने सभी ने बड़ी ही प्रमुखता से इस बात को छापा है, आरोपी किसी भी हाल में बचेंगे नहीं। थैंक्स दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।